बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस आ गई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैं एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ कि ये तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और हमने सब ने मिलकर इस पर अपना हिस्सा डाला है। इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा था और की है। अगर मुझे मज़ीद मोहलत नहीं मिलती तो फिर मैं ये पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी जद्दोजहद है इसको जारी रहना चाहिए। इमरान खान साहब की आज़ादी तक आप अपनी जस्तजू में गामजन रहें। हमें इस मुल्क से प्यार है, हमने दयानतदारी से इस मुल्क की ज़र्रे ज़र्रे से मट्टी से प्यार किया है। वैसी वज़ीर ख़ारजा मैंने हर मैदान हर मोड़ पर पाकिस्तान के मफादात का दिफा किया। वैसी सियासतदान के मुझे अमली सियासत पे 40 साल हो गए और इन 40 सालों में मैंने दयानतदारी से ईमानदारी से सियासत की और मेरा दामन और मेरे हाथ साफ हैं। मुझे कोई मलाल नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसा इश्तियाल अंगेजी का ना बयान दिया है। मुझ पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं मन गलत हैं, झूठ पर मबनी हैं, वो बयानियाँ हकीकत पर मबनी नहीं है। सियासी इंतकाम की उससे बू आ रही है और हम सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का अपना इंसाफ का निज़ाम है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हमारी तहरीक हमारी जद्दोजहद अपनी मंजिल को हासिल करेगी। ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वो शहरी जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है वो तारीख में याद रहेंगे। मुझे बेहद सदमा है उन शहदा का जो 50 के लगभग शहादतें हो गई हैं। मुझे बेपनाह दुख है उन लोगों का जो ज़ख्मी हुए हैं, जिन घरों में सफ़े मातम बिछी है। निहत्ते बेगुनाह लोग थे और लेकिन एक बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियां दरकार होती हैं। हम सब ने अपना हिस्सा मिलाना है। मुझे इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ने मुझ पर बड़ा कर्म किया, बड़ी इज्जत दी और बड़ी इज्जत से वक्त गुजारा है। मेरे फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बेपनाह दोस्तों ने इज्जत और मोहब्बत दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह एक बड़े मकसद के लिए हम अपना काम जारी रखेंगे। मेरी गुजारिश है